हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में पार्टी वेयर अम्ब्रेला लहंगा की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब लहंगे की लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। जैसे लेंथ है 38 इंच, 2 इंच की बेल्ट लगाएंगे। 38 इंच में से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो 36 इंच बचेगा। प्लस 1 इंच करेंगे मार्जिन के लिए, वो दोनों साइड सिलाई में आ जाएगा। तो लेंथ 37 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसी तरीके से वेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। जैसे वेस्ट है 32 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। 2 इंच लूजिंग रखेंगे, 8 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे तो टोटल वेस्ट है 10 इंच। 10 इंच पर मार्किंग कर लेंगे वेस्ट की। तो अम्ब्रेला लहंगा बनाने के लिए मैंने 3.5 मीटर का मेन फैब्रिक लिया है और सेम 3.5 मीटर का मैंने इनर लिया है। फैब्रिक की विड्थ 50 इंच है पूरा। इसमें से बहुत अच्छा घेरदार गाउन बनेगा। तो लेंथ की साइड से फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसमें से एक कॉर्नर उठाएंगे और ट्रायंगल की शेप में फोल्ड कर लेंगे। देखिए, फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है ट्रायंगल की शेप में। अब इसकी मार्किंग करेंगे। जैसे वेस्ट मैंने 10 इंच निकाली थी तो 10 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए, मैंने ये मार्किंग कर ली है वेस्ट की। अब इस मार्किंग पर इंच टेप रखेंगे और कॉर्नर की साइड दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। देखिए, इधर से कम है तो मार्किंग कर लेंगे और गोलाई में शेप दे देंगे। देखिए, वेस्ट की गोलाई में शेप दे दी है। अब मार्किंग पर इंच टेप रखेंगे और बॉटम साइड लेंथ 37 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इंच टेप को बीच में रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे सेम 37 इंच पर। इस तरीके से 37 इंच पर चारों तरफ मार्किंग कर लेंगे और सारे पॉइंट्सों को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, लहंगे की टोटल लेंथ 37 इंच पर गोलाई में मार्किंग कर ली है, 2 मार्किंग कर ली है। अब एक मार्किंग और करेंगे बॉटम की साइड, वो नीचे की साइड फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड करने के लिए यहाँ पर इंच टेप रखेंगे पहले वाली मार्किंग पर और 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इंच टेप रखते जाएंगे और मार्किंग करते जाएंगे। अगर आपका फैब्रिक कम है तो आप अलग से भी बॉटम साइड पट्टी लगा सकते हो। इस तरीके से आगे की साइड भी 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए, लहंगे की मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। पहले टॉप साइड से कटिंग करेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, वो सिलाई में जाएगा। अब बॉटम साइड से कटिंग करेंगे, नीचे वाली मार्किंग से कटिंग करेंगे। नीचे वाला फैब्रिक है वो फोल्ड हो जाएगा एक्स्ट्रा। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज कटिंग करेंगे।
देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है इसमें से बेल्ट निकालेंगे 2 इंच की। दूसरी साइड भी मार्किंग को डार्क कर लेंगे जिसे स्टिचिंग करते टाइम अच्छे से फोल्ड हो जाएगा बराबर चारों तरफ से। देखिए मार्किंग कर ली है दूसरी साइड भी। अब इन निशानों को मिला देंगे। तो देखिए अम्ब्रेला लहंगा की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये एक साइड से ओपन है एक साइड से फोल्ड है। अब बेल्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसकी विड्थ है वो 5 इंच ले लिया है और लेंथ है जितनी लहंगे की लेंथ है मैंने उतनी रखी है, 1 इंच एक्स्ट्रा ले ली है। अब इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे इसके ऊपर और इस तरीके से फोल्ड करके ये लहंगे पे अटैच कर लेंगे। देखिए अभी ये 2.5 इंच है, सिलाई करने के बाद ये 2 इंच बच जाएगा। अब इनर की कटिंग करेंगे। जैसे लहंगे की कटिंग करी थी सेम तरीके से इनर को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब ट्रायंगल की शेप में किसी भी कॉर्नर से इसको फोल्ड कर लेंगे 4 लेयर में। देखिए हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसके लहंगे की जो पहले कटिंग कर रखी थी इसके ऊपर सेट करेंगे। देखिए लहंगे को इसके ऊपर सेट कर लिया है। टॉप पार्ट से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। देखिए बॉटम साइड जो लहंगे की तैयार लेंथ है उससे 2 इंच कम ले लेंगे, 35 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। थर्टी फाइव इंच पर मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। मेन फैब्रिक को ओपन करेंगे और इसको उल्टी साइड से रख लेंगे। इसके ऊपर इनर रखेंगे। और चारों तरफ से सेट कर लेंगे। देखिए कॉर्नर से बराबर सेट कर लिया है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। देखिए 1/2 इंच का मार्जिन रखकर इसके ऊपर टॉप साइड सिलाई लगा ली है। अब साइड में सिलाई लगाएंगे। टॉप साइड 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसमें जीप अटैच करेंगे, यहाँ पर मार्किंग करेंगे और 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग कर लेंगे। वो नीचे की साइड पहले सिलाई लगा लेंगे और बाद में जीप अटैच करेंगे। देखिए मैंने ये साइड में सिलाई लगा ली है।
जहाँ तक सिलाई लगाई है राइट साइड में दोनों साइड मार्किंग करेंगे। और ये हिडन जिप ले ली है, इसको अटैच करेंगे लहंगे के ऊपर। ओपन वाली साइड ऊपर की साइड रखेंगे, मार्किंग पर जिप को रखेंगे। और सिलाई लगा देंगे। अब जिप को बंद करेंगे और फिर से सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर जिप रखेंगे। और इसके ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। तो देखिए जीप अटैच कर ली है। और ये एक्स्ट्रा जिप बची है रॉन्ग साइड, इसको कट कर देंगे इस तरीके से। अब ये बेल्ट ले लिया और इसके ऊपर प्रेस कर लिया अच्छे से। अब इसको लहंगे पर अटैच करेंगे। कॉर्नर से पहले इसको फोल्ड कर लेंगे, हाफ इंच हाफ इंच फोल्ड कर लिया और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दूसरे कॉर्नर पर बेल्ट अटैच करने के बाद सिलाई लगाएंगे। अब ये लहंगा ले लिया है, इसको राइट साइड से रख लिया है और जिप ऑलरेडी अटैच कर ली है। अब इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। इसको इस तरीके से रखेंगे। लहंगे की सीधी साइड बेल्ट रखेंगे, यानी दोनों को एक दूसरे की सीधी साइड रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। देखिए एक साइड बेल्ट अटैच कर ली है। अब दूसरी साइड भी सिलाई करेंगे। बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और जो पहले वाली सिलाई है उसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से फिनिशिंग के साथ फैब्रिक को रखेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। देखिए बेल्ट अटैच कर लिया है, इसका बहुत अच्छा लुक आया है। अब बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। पहले जो हमने मार्किंग कर रखी थी वहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और 2.5 इंच फोल्ड करेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से इनर को भी फोल्ड कर लेंगे बॉटम साइड से और चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। देखिए बॉटम साइड फोल्ड कर लिया है और साथ में इनर भी फोल्ड कर दिया है।
और मैं इसमें नाड़ा इंसर्ट करूँगी और साथ में लटकन भी अटैच कर देंगे। देखिए मैंने ये लटकन लिए है और इसके अंदर अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।